देखो यार, रेडमी शाओमी या पोको डिवाइस के लिए एक नया डायनेमिक थीम सर्च करो, तो ये थीम ट्राई करके देखो। थीम पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, लाइक मारो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। AmiUI 12.5 या AmiUI 13 के लिए एक नया थीम सर्च करो, तो ये थीम ट्राई करके देखो। अप्लाई करने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लीन आइकन्स देखना मिलता है गूगल का फोल्डर में। और वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल में रखो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएगा डेली, वो भी दो तो ट्राई करके देखो, इंटरेस्टिंग वीडियोस तो मिलेगा। होम स्क्रीन और टूल्स का फोल्डर में भी सिमिलर आइकन्स देखना मिल जाता है। आइकन काफ़ी अच्छा है, एक दो आइकन्स मिसिंग देखने को मिलता है, बट आइकन कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है और लुक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। विजेट चेंज हो जाएगा, AmiUI 13 का कंट्रोल सेंटर भी इस थीम को अप्लाई करने के बाद चेंज हो जाएगा और ऑब्वियसली AmiUI 12.5 का भी चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम UI चेंज हो जाता है। ये थीम डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता, तो लाइट मोड में कुछ ऐसा लुक देखने को मिलने वाला है, लुक वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर अबाउट फोन में जाओगे तो अबाउट फोन में भी सेम लुक देखने को मिलता है, तो ट्राई करो यार, अबाउट फोन में भी वही जो है लाइट हाउस वाला लुक, लाइट हाउस वाला वॉलपेपर और सिमिलर जो है वाटर से इंस्पायर्ड, मतलब स्काई और वाटर जो पूरा लुक, सैंड जो भी है सब देखने को मिल जाता है। काफ़ी ब्लू कलर्स पूरा थीम में देखने को मिलने वाला, टॉगल्स भी चेंज हो जाता है, एक टॉगल्स मिसिंग है, एडिशनल सेटिंग्स डिस्प्ले सभी जगह में चेंजेस देखने को मिलता है और सेम लाइट हाउस का वॉलपेपर के साथ। और जो है डायलर मैसेजेस ऐप में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, होगा ही नहीं असल में, गूगल डायलर और मैसेजेस ऐप चेंज नहीं होता है, और साथ ही साथ वॉल्यूम स्लाइडर में भी चेंजेस नहीं होता, बट ओवरऑल वॉलपेपर विजेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लॉक स्क्रीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग विजेट्स देखने को मिलता है, जो कि ट्राई करके देखो अप्लाई करने के बाद। तो ऐसा फर्स्ट जो ये पेज वन है जिसमें कि ऐसा कुछ विजेट्स, डेट एंड टाइम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्लिपकार्ट सभी देखने को मिल जाता है। ये पेज टू है जो कि इसमें खाली विजेट और जो है लाइट हाउस का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। ये एक पाई कंट्रोल है जो कि मेरे को पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा, तो ट्राई करके देखो। और अगर वीडियो पसंद आया तो जाओ, पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक मारो। थीम पसंद आया तो जाओ थीम स्टोर में सर्च करो डायनेमिक HL, जैसे सर्च करोगे डायनेमिक HL ये थीम मिल जाएगा, सर्च करो, डाउनलोड करो, अप्लाई करो, बताओ कैसा लगा डायनेमिक HL। आई होप ये वीडियो और ये थीम पसंद आया होगा, थीम पसंद आया डाउनलोड मारो, अप्लाई करो, नीचे कमेंट करो कौन सा पार्ट, मतलब होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, कंट्रोल सेंटर क्या पसंद है, और वीडियो को लाइक मारो, लाइक ही 130 रखते कंप्लीट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल मेरे को, वीडियो को शेयर करो, कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट मारो और प्यार फैलाओ, वीडियो को शेयर कर दो, कर दियोगे तो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल कुछ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।